psychologists have found that age has its bearing on the symptoms of learning disability. मतलब एज के साथ, वैसे भी हम सभी जानते हैं कि एज के साथ साथ क्रियाकलाप और कार्य की प्रकृति में भी डिफरेंसेस होता है, तो ऑब्वियस है उन एक्ट के आलोक में लर्निंग डिजेबिलिटी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज ग्रुप यू कैन से. सो बिसाइड सम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, सर्टेन एज स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैव ऑल्सो बीन फॉरवर्डेड बाई द एक्सपर्ट्स. एक तो हमने देखा कि कॉमन जो था कि डिफरेंट तरह की चीज़ों में उनको दिक्कत होती है, उसके अलावा मनोवैज्ञानिकों का और शिक्षा शास्त्रियों का ये क्लियर कट मानना है, मत है कि उम्र का बहुत प्रभाव है. ये तो हम लोग जान चुके हैं कि अर्ली एज में ही बहुत माना जाता है कि 18 ईयर्स तक इसकी संभावना है, बाद में नहीं भी रह सकती है. तो फॉलोइंग आर सम एज रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, इसमें हम इस पार्ट में सिर्फ क्या करेंगे कि उसको क्लासिफाई करेंगे, और क्लासिफाई करने के क्रम में क्या करेंगे, तीन क्लासिफिकेशन हमारा होगा. एक क्या, एक क्लासिफिकेशन होगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, और वो ग्रुप क्या होगा, प्री स्कूल एज. और अभी आप देखेंगे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये प्री स्कूल को क्लियर किया गया है, क्योंकि जो 5+3+3 4 का कंसेप्ट है उसमें 5 में 1-2 से पहले 3 साल वो प्री स्कूल है, जिसको माना कि 3 से 6 साल लगभग होगा मोटा मोटी. और पुराना कंसेप्ट यदि ले लें तो स्कूल में 5 से पहले लोग कहता था कि एडमिशन नहीं लेंगे, तो 5 ईयर्स तक भी कंसेप्ट है कहीं. दूसरा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी की जो दूसरी कैटेगोरी है, जिसमें 5-9 ईयर्स के लोगों को लिया गया, थोड़ा ओवरलैपिंग होगा, तो 5 और 9 ईयर्स, या वहाँ आप प्री स्कूल को 5 ईयर्स कर दें, आगे हम उसको और क्लियर करेंगे. सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी तीसरा, ये दैट इज दी कैटेगोरी, एंड दैट कैटेगोरी इज 10-13 ईयर्स. तो एक बात तो ये कि जो कॉमन सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम तो ऐसा है कि हर लर्निंग डिजेबिलिटी और खास के जो हम लोगों ने देखा कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काम करने में दिक्कत होती है, पेशेंस लूज करते हैं, टेम्पर लूज करते हैं, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, किसी भी तरह की लर्निंग डिजेबिलिटी में हो सकती है. और फिर शुरू के दरमियान जब हम टाइप्स कर रहे थे तो उस दरमियान भी बहुत सारे सिम्टम्स को हम लोगों ने देखा. यहाँ मुख्य रूप से ये कि एज वाइज क्लासिफिकेशन मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने लर्निंग डिजेबिलिटी का किया है, और उसमें जो मुख्य रूप से 3 एज ग्रुप बनाए हैं, उसमें ये प्री स्कूल एज, फिर 5-9 ईयर्स एंड 10-13 ईयर्स. सो इन डिफरेंट पार्ट्स वी शैल बी आइडेंटिफाइंग ऑन डिस्कसिंग दी नॉट आइडेंटिफाइंग रादर डिस्कसिंग द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी बेस्ड ऑन दी एज. और ये 3 ग्रुप है, तीनों एज ग्रुप के बच्चों के सिम्टम्स जो लर्निंग डिजेबिलिटी से है एज स्पेसिफिक, उसकी चर्चा हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे. सो दिस पार्ट नरेट्स दैट देर इज द रोल ऑफ एज इन द सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, एंड द साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट हैव क्लासिफाइड the symptoms of learning disability based on age in 3 groups. So this is all about this part. Thank you.